हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 वी आर डूइंग। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव स्टडीड अबाउट माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स वी आर गोइंग टू स्टडी। फ्रेंडली माइक्रोब्स से हमने उनके बारे में स्टडी किया है। सो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, वो मेडिकल जो फील्ड होता है, मेडिसिनल फील्ड्स होता है, उसके अंदर बहुत काम आते हैं। सो एंटीबायोटिक्स हैं, उन माइक्रोबिज्म से बनते हैं। सो एंटीबायोटिक्स के अलावा जो वैक्सीन्स हैं, वो उसके अंदर भी माइक्रोबिज्म से बहुत काम आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वैक्सीन, पेज नंबर 21। Why are children's infants given vaccination? So छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन किया, उनका वैक्सीनेशन किया जाता है, उनको टीके लगाए जाते हैं। सो वो क्या होते हैं, क्यों उनको दिए जाते हैं, लेट्स सी। When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. So जो अगर कोई जो है disease carrying microbe अगर हमारे body में जो है enter करता है, तो जो हमारी body है कुछ antibodies है वो produce करती है, ताकि जो invader है जो हमारे body में घुसा है अंदर, उसके खिलाफ जो है हमारी body fight कर सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। अब एक बार इन्वेंट करने के बाद अगर जो माइक्रोब है दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी याद रखती है कि हाँ, ये जो है माइक्रोब हमारी बॉडी में पहले भी एंटर कर चुका है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन टू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाई प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। अगर कोई डेड या वीक माइक्रोब है, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो हमारी बॉडी करेगी उसके उससे फाइट करेगी और उसको किल कर देगी, उस जो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर किया है, और उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. और ये जो antibodies हैं, जो microbe enter हुए थे वो weak थे और जो थे dead थे, तो उनको मारने के लिए हमारी antibodies जो create हुई है, obviously उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, लेकिन उनको मारने के लिए जो antibodies create हुई हैं वो हमारी body में remain रहती हैं, बच जाती हैं, और हमारी body को अगर फिर से ऐसा कोई microbe है, चाहे उससे वो strong हो, अगर वो फिर भी enter करेगा, तो हमारी body है उससे easily फाइट कर पाएगी और हमको प्रोटेक्ट कर पाएगी। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स, और इससे ही जो है हमारे वैक्सीन से वर्क करते हैं। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बहुत सारे जो डिजीज़ हैं वो वैक्सीनेशन के जरिए हम उनको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉलेरा है, जैसा कि हैज़ा जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो क्षय रोग जिसको बोलते हैं, जिसमें खांसी वगैरह होती है बहुत ज़्यादा, स्मॉल पॉक्स चेचक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जो है वो हमारी स्पेशली लीवर को डैमेज करता है। सो ये सब जो डिजीज़ है, इनसे वैक्सीनेशन से हम बच सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन रेडी किया। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। हमारे बचपन में हमको जो है इंजेक्शन लगे हैं, ताकि हम बीमारियों से बच सके, जो वैक्सीन से हमको लगे हैं। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर और योर पेरेंट्स। सो जो आप जो डिजीज़ हैं, जो जिनसे कि हमको बचने के लिए हमको जो है ये वैक्सीन या इंजेक्शन लगते हैं, तो आप इन डिजीज़ की लिस्ट बना सकते हो। आप इंटरनेट या अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये डिजीज़ की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज़। और ये जितनी भी डिजीज़ है, ऑब्वियसली बहुत सारे डिजीज़ निकल के आएंगे अगर उनके बारे में आप सर्च करोगे, तो इन डिजीज़ से बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। और जो भी इन डिजीज़ से बचाने के लिए जो वैक्सीन ज़रूरी हैं, वो हमारे आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ईजिली हमको अवेलेबल होते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन TV एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। और पल्स पोलियो प्रोग्राम जो होता है, उसके अंदर आपने TV पे या फिर न्यूज़पेपर में बहुत सारे एड वगैरह देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जो कि बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए जो है होते हैं, जो कि पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत हमको दिखाए जाते हैं।
पल्स पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. और जो पल्स पोलियो ड्रॉप है, दो बूंद जिंदगी की करके जो ऐड आता है, उसके अंदर जो है पल्स पोलियो ड्रॉप दिखाई जाती है, वो भी क्या है, एक तरह का वैक्सीन है. अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जो एक कैंपेन है, वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला गया था जो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ था, अब फाइनली जो है वो अब एंड पे आ गया है. वर्ल्ड के मोस्टली पार्ट्स में जो है ये स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम है वो अब ख़त्म हो चुकी है, इसकी वजह से, वैक्सीन की वजह से. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. अब जो माइक्रोब्स हैं वो ना सिर्फ वैक्सीन्स में हमको हेल्प करते हैं, बल्कि जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी है, हमारी जो सॉइल की पैदावार बढ़ाने की जो ताकत है वो भी बढ़ाते हैं. सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. सो आपके यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि जो है माइक्रो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया है. ब्लू एलगी जो है, ब्लू ग्रीन एलगी है, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन को जो है फिक्स करती है एटमोसफेयर से सॉइल के अंदर, जो कि सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाता है और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बढ़ती है. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. और इन जो माइक्रोब्स हैं इनको नॉर्मली जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं. जो नेचुरली ये जो है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, जो हमको यूरिया वगैरह है, बाकी जो और जो है हमको फर्टिलाइजर वो डालने नहीं पड़ते अगर नेचुरली ये काम करते हैं तो. नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. अब माइक्रोब है वो हमारे को एनवायरनमेंट क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, कैसे ये देखते हैं. बुजुर्ग पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैनोर. बुजुर्ग पहेली जो बच्चे हम चैप्टर वन से देख उनके बारे में बात करते आ रहे हैं, उन्होंने अपने स्कूल गार्डनर को खाद बनाते हुए देखा है. अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स. अपने दोस्तों के साथ उन्होंने जो आस पास के जो घर थे वहाँ से वेस्ट प्लांट्स जो थे, वेजिटेबल्स और फ्रूट के जो कचरे थे, वो उन्होंने आपस में मिलकर उन्होंने इकट्ठा किए, कलेक्ट किए. दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. और उन्होंने उनको एक गड्ढे में डाला जो कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए बनाया गया था. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैनोर. और थोड़े दिनों बाद वो क्या करा, डिकम्पोज हो गया और मैनोर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. बुजो इन पहेली वॉन्टेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. और बुजो और पहेली थे वो जानना चाहते थे कि जो उन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट था वो उन्होंने उस गड्ढे में डाला और डिकम्पोज कैसे हुआ, कैसे वो खाद में बदल गया. सो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5 ऑन पेज नंबर 22. टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल. हमने टू पॉट्स लिए हैं, उन दोनों को हमने आधा आधा जो है मिट्टी से भर लिया है. मार्क देम ए एंड बी. उनको हमने ए और बी मार्क कर लिया. एक पॉट को हमने ए मार्क किया, दूसरे पॉट को हमने बी मार्क किया. पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथिन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी. हमने अब एक जो पॉट था, ए पॉट था, उसके अंदर प्लांट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट या फ्रूट पील्स वगैरह जो है वो हमने डाल दिए. दूसरे वाले में, बी वाले, हमने पॉलीथिन बैग्स और एम्प्टी जो ग्लास बॉटल्स हैं या फिर प्लास्टिक के टॉयज थे वो डाले. पुट द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks. अब दोनों पॉट्स को हमने अलग अलग रख दिया है और उनको 2-3 weeks के बाद हम देख रहे हैं. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पॉट्स. अब इन दोनों के अंदर जो सामान हमने डाला था, जो कंटेंट हमने डाला था, उनके अंदर आप कोई अंतर देख रहे हैं? इफ सो वॉट इज़ द डिफरेंस. अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर अंतर क्या है? तो ऑब्वियसली अगर 2-3 weeks अगर हमने किसी भी प्लांट प्रोडक्ट को, प्लांट वेस्ट को अगर हमने मिट्टी में डाला है तो वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, डिके हो जाएगा और उसकी जगह क्या बन जाएगा, मैनोर बन जाएगा. You will find the plant waste in pot A has been decomposed. जितना भी plant waste था जो pot A में था वो decompose हो गया है, गल गया है, सड़ गया है. How did this happen? ये कैसे हुआ? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. जितना भी plant waste था वो manure में बदल गया, जितना भी microbes थे उसके ऊपर action कर रहे थे उनकी वजह से, microbe के काम की वजह से जितना भी waste था वो सारा का सारा manure में बदल गया. The nutrients released in the process can be used by the plant again. और इस प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट का मैनोर में कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से प्लांट से वो अपने यूज़ में ले सकता है. Did you notice that in pot B the polythene bag, empty glass bottles and broken toys part did not undergo any such change. अब आप देखोगे कि जो पॉट बी था उसके अंदर जो हमने प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक टॉयज या ग्लास बॉटल्स वगैरह डाली थी वो किसी भी तरह का उनमें से कोई चेंज नहीं आया है.
द माइक्रोब कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इन टू मेनॉर. क्यों नहीं आया उनमें चेंज, क्योंकि वो जो है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर कोई भी जो माइक्रोब है वो काम नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो जो है किसी भी तरह से उनमें कोई कन्वर्जन नहीं आया है, वो मेनॉर में कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि उन पर माइक्रोब काम नहीं कर पाया. यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. अब हम देखते हैं कई बार जो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं वो डिके होते रहते हैं, प्लांट्स जो हैं वो डिके होते हैं, कई बार जो डेड एनिमल्स हैं वो भी ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए वो डिके होते रहते हैं, गलते रहते हैं. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. थोड़े दिनों बाद वो अपने आप गायब हो जाते हैं, तो गलते रहते हैं और थोड़े दिनों बाद अपने आप गायब हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इन टू सिंपल सब्सटेंस. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके ऊपर जो है माइक्रोब्स है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, वो उनको डिकम्पोज करते रहते हैं और जो जितना भी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट का एनिमल का उसको वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते रहते हैं. These substances are again used by other plants and animals. अभी जो substance है वो क्या करेंगे, जो microbe है उनको decay कर देंगे, तो जितने भी substance हैं simple substance वो वापस से मिट्टी में मिल जाएंगे और वापस जो plants हैं और animals हैं उनको use ले सकते हैं. Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. इसी ऐसे हम देख सकते हैं कि जो microbes हैं वो क्या करते हैं, जितने भी harmful और जो smelly substance है, smell करने वाले substance हैं, उनको degrade कर देते हैं, उनको गला देते हैं और जो हमारा environment है उसको clean करते हैं. तो ऐसे करके जो हमारे जो microbes हैं, microorganism हैं, वो हमारे environment को clean रखते हैं. तो ऐसे हम देख सकते हैं जो हमारे जो friend जो friend की तरह काम करते हैं microbes, हमने उसमें देख लिया है कि हम जो microbes हैं वो हमारे को घरों में यूज़ आते हैं, हमारा जो कर्ड है, जो हमारा जो ब्रेड वगैरह है बेक कर सकते हैं वो हम माइक्रोब की हेल्प से कर पाते हैं. उसके अलावा जो मेडिसिनल जो है फील्ड है, एंटीबायोटिक्स बनाने में या वैक्सीन बनाने में भी हमको काम में आते हैं माइक्रोब्स. उसके अलावा कुछ माइक्रोबिज्म में उनका कमर्शियल यूज़ भी होता है, जैसे कि विनेगर वगैरह या अल्कोहल वगैरह बनाने के काम में आते हैं. सो जो फ्रेंडली जो माइक्रोब्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया हमने. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है, इनफैक्ट नुकसानदायक हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.